नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के 2 नवंबर दिन शनिवार, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड की फ्री कोचिंग, नीट जेईई के लिए आवेदन 15 नवंबर तक, 11वीं के छात्रों के लिए यह सुविधा। छठ पूजा से पहले बिजली समस्याएं बढ़ी, बिजली कंपनी के सीएमडी की समीक्षा बैठक, निर्बाध बिजली के दिए गए निर्देश। बिहार में ठंड का आगमन, पश्चिमी विक्षोभ से गिर रहा तापमान, हल्की धुंध और ठंड का एहसास। आरबीआई ने नवंबर में बैंक छुट्टियां जारी की, बिहार में 9 दिन बैंक रहेंगे बंद, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं छुट्टियों में उपलब्ध रहेंगी। राजस्व विभाग की ऑनलाइन सुविधाएं, राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन वाद दायर, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा। फेक न्यूज से बचने के उपाय, संदिग्ध वेबसाइटों से रहें सावधान, फैक्ट चेकिंग के लिए संपर्क करें। न्यूजीलैंड 235 पर आउट, भारत की पारी, तीसरे टेस्ट में भी भारत की स्थिति कमजोर, 86 पर 4 विकेट गंवाया। अब चलिए बढ़ते 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह नियुक्ति संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी, जिसमें प्रति माह 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 से 47 वर्ष के बीच होगी, जिसमें दिव्यांग और स्वास्थ्य कर्मियों को छूट मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू है, इसकी अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 है। विशेष जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जरूर विजिट करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान अधिप्राप्ति की समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को धान के अनुमानित उत्पादन के आधार पर जिलावार खरीद लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की सहायता के लिए तत्पर है और अधिप्राप्ति में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है और अधिप्राप्ति की अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक होगी। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मैट्रिक टन है। हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि बिहार बोर्ड ने मेडिकल यानी नीट और इंजीनियरिंग जेईई में प्रवेश परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा देने जा रही है। अब इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी 15 नवंबर तक coaching.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। यह कोचिंग उन 10वीं के छात्रों के लिए जो 11वीं में बिहार बोर्ड के स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस नॉन रेजिडेंशियल कोचिंग में अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे और हर माह 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्लासरूम एसी और डिजिटल बोर्ड से लैस होंगे। पढ़ाई विभिन्न जिलों के बोर्ड कार्यालयों में होगी। घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 13 जिलों में नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे, जिनके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रति सेंटर 48,59,000 रुपये आवंटित किए हैं। पहले केवल पटना में 2 सेंटर थे, लेकिन अब 11 जिलों के लिए कुल 1,83,46,857 रुपये जारी किए गए हैं। इन सेंटरों में पीड़िता को रहने, इलाज और काउंसलिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक सेंटर में 13 सदस्यों की टीम होगी, जिसमें काउंसलर, डॉक्टर और सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं। निर्धारित जिलों में अरवल, औरंगाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, नवादा, शिवहर और मुंगेर में वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनुराग आनंद की। अनुराग आनंद, जिनका जन्म आज ही के दिन 2 नवंबर 1978 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। अनुराग एक भारतीय कलाकार, कॉपरेटिव पेशेवर और लेखक हैं, जिनके पास स्व सहायता, सामान्य कथा और ऐतिहासिक कथा शैलियों में कई बेस्ट सेलर शीर्षक हैं। उनका कॉपरेट अनुभव फार्मास्यूटिकल, तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान और वित्तीय सेवा उद्योगों में फैला हुआ है। आनंद ने अपने लेखन करियर की शुरुआत 2004 में पिलर्स ऑफ सक्सेस के विमोचन के साथ की। 2016 में आनंद को कॉर्पोरेट जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को छठ पूजा से पहले तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि स्मार्ट मीटर ऐप में खराबी आ गई है जिसे रिचार्ज करने में कठिनाई हो रही है। इस कारण बिजली कटने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच बीते दिन बिजली कंपनी के CMD पंकज कुमार पाल ने छठ महापर्व में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की है। ऊर्जा विभाग ने छठ पर्व के दौरान 4 दिन बिना रुकावट बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया है और सभी जिलों में मेंटेनेंस कार्य चल रहा है जबकि तकनीकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को वेबसाइट या कंपनी के काउंटर पर जाकर रिचार्ज करने की सलाह दी गई है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 नवंबर से शुरू होगा जिसमें 4 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। यह अभियान 2, 3, 23 और 24 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नाम जुड़वाने के लिए मतदान केंद्रों पर आएं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल या वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा voters.eci.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पटना वंदे भारत एक्सप्रेस 30 अक्टूबर से अपनी सेवा शुरू कर चुकी है। यह ट्रेन 994 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे 30 मिनट में तय करती है और इसके प्रमुख स्टॉप्स में आरा, बक्सर, DDU, प्रयागराज और कानपुर शामिल है। वंदे भारत ट्रेन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दिल्ली से पटना जबकि सोमवार, गुरुवार और शनिवार को पटना से दिल्ली के लिए चलेगी। AC चेयर कार का किराया 2575 रुपये और AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 4655 रुपये है। यह ट्रेन छठ पूजा के लिए यात्रियों को घर से आने जाने की सुविधा भी प्रदान करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2024 के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी की है जिसमें बिहार के बैंकों के लिए कुल 9 दिन शामिल हैं। इस महीने छठ पूजा और गुरु नानक जयंती जैसे प्रमुख त्यौहार मनाए जाएंगे। सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 3 अतिरिक्त छुट्टियों के कारण बैंकों का संचालन बंद रहेगा। छुट्टियां कुछ इस प्रकार हैं, 3, 10 और 23 नवंबर को साप्ताहिक छुट्टी, 7 और 8 नवंबर छठ पूजा का अर्घ, 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, 9 और 23 नवंबर को दूसरा और चौथा शनिवार है। छुट्टियों के दौरान ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जबकि बैंकों की छुट्टियाँ 3 श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं। जमीन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन कई प्रकार की जन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जैसे कि राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन वाद दायर करना तथा उसकी स्थिति की जानकारी, साथ ही आपके प्लॉट पर दाखिल खारिज हेतु कितने आवेदन किए गए हैं इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं, दाखिल खारिज वाद के परिणाम से किसी भी प्रकार की असंतुष्टि की स्थिति में विभाग द्वारा आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी दी जाती है। फेक न्यूज़ की बढ़ती संख्या से बचने के लिए 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स जो हर नागरिक को फॉलो करना चाहिए। पहला, संदिग्ध डोमेन नाम या वेबसाइटों से सावधान रहें। दूसरा, ये कि क्लिक पाने के लिए हेडलाइंस को आकर्षक बनाया जाता है, ऐसे में पूरी खबर पढ़ना जरूरी है। तीसरा, सुनिश्चित करें कि जानकारी विश्वसनीय स्रोतों जैसे सरकारी प्राधिकरणों से आ रही है। चौथा, यह जांचें कि क्या अन्य मीडिया आउटलेट्स ने इस कहानी को कवर किया है। पाँचवा, किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें। अगर आपको इतना नहीं करना है तो अपने सवाल +91879971125 पर SMS या factcheck@pib.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था चलाती है। राशन कार्ड धारकों के लिए EKYC करवाना अनिवार्य है और इसे न कराने पर राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। खाद्य और रसद विभाग ने 1 दिसंबर 2024 तक EKYC कराने का निर्देश दिया है। EKYC करवाने के लिए राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन दुकान पर जाकर राशन डीलर से संपर्क करना होगा। डीलर फिंगरप्रिंट लेकर प्रक्रिया पूरी करेगा। लोगों को EKYC के नाम पर ठगी से भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। बिहार सर्किल की ओर से एक अनोखी पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। इस पहल की शुरुआत होने जा रही है एक भव्य डाक प्रदर्शनी से जो इसी महीने आयोजित होगी। इस प्रदर्शनी के दौरान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ऋषि वाल्मीकि, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसी महान विभूतियों पर आधारित पोस्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा वैशाली, नालंदा और राजगीर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ बिहार की 9 शक्तिपीठों पर भी पोस्ट कार्ड निकाले जाएंगे। डाक विभाग ने विशेष रूप से स्कूली बच्चों को इस अभियान
जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि वे पोस्ट कार्ड के प्रति रुचि विकसित कर सके। प्रदर्शनी में कई स्कूलों को आमंत्रित किया गया है। दिवाली के बाद बिहार में छठ पूजा की तैयारियां तेजी से चल रही है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने बीते दिन दानापुर के नासरीगंज घाट और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पटना में 109 घाटों में से 101 छठ पूजा के लिए सुरक्षित हैं, जबकि 8 घाट खतरनाक बताया गया है। इसके साथ ही पटना शहर के 28 पार्कों में पूजा का आयोजन किया जाएगा। सफाई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि करीब 2000 श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पटना जू में भी झील की सफाई का कार्य चल रहा है। व्रती यहां भी अर्घ दे सकते हैं। खान एवं भूतत्व विभाग ने बिना ई चालान अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाल ही में पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक में अवैध व्यापार की समस्याएं उठाई गई। व्यवसायियों ने बताया कि कुछ लोग बिना वैध लाइसेंस के गिट्टी का परिवहन कर रहे हैं, जिससे लाइसेंसधारियों को नुकसान हो रहा है। विभाग ने आदेश दिया है कि अवैध गिट्टी व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मिट्टी को जब्त किया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिना ट्रांजिट परमिट और खनन विभाग के लाइसेंस की गिट्टी मंगाने पर रोक लगाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। इन दिनों पशुओं में एक संक्रमण रोग खुरपका मुंहपका रोग देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यह रोग ग्रस्त पशुओं से स्वस्थ पशुओं में केवल संपर्क से ही नहीं बल्कि चारा, पानी, दाना और हवा से भी फैलता है। इस रोग से मृत्यु की संभावना कम होती है, लेकिन मादा पशुओं के दुग्ध उत्पादन, उनकी गर्भधारण क्षमता और बैलों या भैंसों के कार्य करने की क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क टीकाकरण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 11 नवंबर तक सभी जिलों में टीकाकर्मी घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगे। यदि टीकाकरण के दौरान आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आप इसकी शिकायत पटना के दूरभाष संख्या 0612223942 पर कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी जानकारी है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9वीं और 11वीं के दाखिलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 नवंबर 2024 कर दी है। पहले यह तिथि 30 अक्टूबर 2024 थी। कक्षा 9 के लिए आवेदन cbseits.nic.in/2024/nvsix पर करें और कक्षा 11 के लिए cbseits.nic.in/2024/11/ पर किए जा सकते हैं। लेटरल एंट्री चयन परीक्षा 8 फरवरी 2025 को होगी। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच जन्म लेने वाले छात्र योग्य हैं, जबकि कक्षा 11 के लिए 1 जून 2008 से 31 जुलाई 2010 के बीच जन्म लेने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रदेश भर में छठ पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बिहार प्रशासन सुविधाओं को लेकर अलर्ट मोड पर है। घाटों पर पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इन सबके बीच महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करने को कहा है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-2294204 या 205 और टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया है। यह जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने आधिकारिक के एक्स अकाउंट के माध्यम से दी है। बिहार में ठंड बढ़ने की शुरुआत हो रही है। सुबह हल्की धुंध छा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पिछले दो दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई है, जिससे ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और आज किसी जिले में वर्षा की भी संभावना नहीं है, लेकिन 3 नवम्बर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में बारिश हो सकती है, जबकि भागलपुर, जमुई और बांका में बूंदाबांदी के आसार हैं। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। बेहटा सोन के तटीय इलाके में पुलिस ने कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, जबकि शराब माफिया मौके से भाग निकले। बेहटा थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सोन नदी के किनारे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। छापेमारी में लगभग 6,000 लीटर देसी शराब नष्ट किया गया। पिछले 3 दिनों में 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए और 500 लीटर से अधिक शराब तथा कई वाहन जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
गया में राजद को बड़ा झटका लगा है। जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने उन्हें अनदेखा किया, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के हाथों सदस्यता लेने पर पार्टी में सम्मान और जिम्मेदारी का वादा किया गया था। शीतल यादव ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिलने और परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिए जाने से निराशा हुई है। उनका इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर ने बीते दिन गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है, यह कहकर कि वे अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे, जबकि बिहार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार आएंगे तो कहेंगे कि हमने इतना काम कर दिया है। लालू के जमाने में 6 बजे गया बंद हो जाता था, आज 8 बजे खुला रहता है। कितना बजे बंद होता था जनता ने यह मान लिया है, उसके बदले में 18 साल तक मुख्यमंत्री बना दिया। अब यह बताओ कि गया, पटना, बेंगलोर और हैदराबाद कब बनेगा, एक ही गाय को कितनी बार दूहेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। भारत ने न्यूजीलैंड को 235 रन पर आउट किया, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 65 रन देकर 5 और वाशिंगटन सुंदर ने 81 रन पर 4 विकेट लिए। भारत की शुरुआत खराब रही और स्टंप्स तक वे 86 रन पर 4 विकेट गंवा चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा 18, विराट कोहली 6 और यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल 31 और ऋषभ पंत 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2008 में आज के दिन केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त के बाद पेंशन फंड से धन निकालने की सुविधा खत्म की थी। 2005 में 2 नवंबर को ही गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर और के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था। आज के दिन 1929 में 2 नवंबर को ही प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राम मोहन का जन्म हुआ था। 1883 में आज के दिन असम के स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता बसंत कुमार दास का जन्म हुआ था। 1940 में आज के दिन साहित्यकार कालिया का जन्म हुआ था। 1960 में 2 नवंबर को हिंदी फिल्म संगीतकार अनु मलिक का जन्म हुआ था। 1965 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जन्म हुआ था। दिन प्रतिदिन व्हाट्सएप खुद को अपडेट कर रहा है, इसके लिए खुद में नए नए फीचर्स जोड़ रहा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर कस्टम लिस्ट्स पेश किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी चैट्स को परिवार, ऑफिस के दोस्तों या अन्य कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। कस्टम लिस्ट बनाना सरल है, आपको चैट टैब के टॉप पर फिल्टर बार में प्लस आइकन टैप करना होगा और अपनी नई लिस्ट के लिए एक नाम देना होगा। यूज़र फिर किसी भी चैट को अपनी पसंदीदा लिस्ट में जोड़ सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का पहला सवाल है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं। ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी। आज का दूसरा सवाल है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दरभंगा में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी आरा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दरभंगा में। आज का तीसरा सवाल है, वर्ष 2020-21 में बिहार में गायों से सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला है। ऑप्शन ए समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, ऑप्शन बी पटना, नालंदा, बेगूसराय, ऑप्शन सी गया, समस्तीपुर, नालंदा, ऑप्शन डी मधेपुरा, अररिया, समस्तीपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इज़राइल, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिनलैंड। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार, गुनार शर्मा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, रोशन कुमार, रवि कुमार गुप्ता,
चंद्रेश्वर सिंह, सोनेलाल यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने कभी स्मार्ट मीटर का रिचार्ज किया है? अगर हाँ तो आपका अनुभव क्या रहा? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।